हे। तो भाई आज अपन बात करने वाले हैं अगले बहुत इंपॉर्टेंट इश्यू के बारे में। वो बच्चे जो क्लास 11th और 12th में पढ़ रहे हैं पर वो डमी स्कूल नहीं जाते, है ना, वो रेगुलरली एक स्कूल में जाते हैं, हर रोज 5 से 6 घंटे उनको एक स्कूल में जाना पड़ता है, उसके बाद वो अपनी IIT JEE और नीट की कोचिंग करते हैं और फिर उनको सेल्फ स्टडी भी करना होता है। और ये बड़ा मुश्किल काम है, बड़ा ही मुश्किल काम है। इसमें फिर समझ में नहीं आता कि यार कैसे करें। होमवर्क पेंडिंग जाने लगता है, DPP पेंडिंग जाने लगती है, कई बार क्लासेस भी पेंडिंग जाने लगती हैं। तो कैसे मैनेज करें यार, है ना, स्कूल के साथ साथ अपनी JEE और नीट की जो तुम कोचिंग कर रहे हो उसकी क्लासेस सक्सेसफुली करना और उसका होमवर्क भी कंप्लीट कर पाना ना। देखो असंभव तो नहीं है, मुश्किल है, असंभव तो नहीं है ना, क्योंकि अगर तुमने इस बार जिन बच्चों ने मुझसे पढ़ा था और जो इंडिया की टॉप रैंक्स सिक्योर करी उनके इंटरव्यू देखे हो जो यूट्यूब चैनल पर डले हुए हैं, तो तुम देखो कि उसमें जो 12th के बच्चे थे वो स्कूल भी जाते थे रेगुलरली और उसके बाद वो प्रॉपर क्लासेस करते थे और उन्होंने सब कुछ कंप्लीट करा था और उसके बावजूद वो अंडर 100 ऑल इंडिया रैंक सिक्योर कर पाए। तो कैसे हुआ, है ना, तो वो सारी चीज़ें कुछ पॉइंट्स मैं तुम्हारे साथ बताने वाला हूँ, इनमें से कई गलतियाँ तुम कर रहे होगे जिस कारण तुम्हें समय नहीं मिल पा रहा, तो उसके बारे में डिस्कस करते रहा, ठीक है। तो देखो यार, सबसे पहले तो देखते हैं तुम्हारा टाइम का डिवीजन किस तरह का होगा, है ना, हल्का फुल्का ऊपर नीचे हो सकता है बट जनरली सभी का ये होगा जो बच्चे रेगुलरली क्लास 11th और 12th के स्कूल जा रहे हैं ना और साथ में अपनी IIT JEE नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। देखो 5 से 6 घंटे तुम्हें स्कूल में देने पड़ते होंगे ना, मैं मान के चल रहा हूँ, हो सकता है भाई किसी के ज़्यादा भी हो तो भाई ज़्यादा है तो ठीक है, थोड़ा सा और नुकसान हो जाएगा, बट जनरली भाई 5 से 6 घंटे तुम्हें रोज़ स्कूल में देना पड़ता है, ठीक है। उसके अलावा जो तुम्हारी कोचिंग क्लास चलती है वो जनरली 4 to 5 hours, जनरली 1.5 घंटे की 3 क्लास होती हैं, मैक्सिमम जगह यही चलता है, कुछ जगह ये भी रहता है भाई 1.5 घंटे की 2 क्लासेस होती हैं, मैं ऑन एवरेज मान के चल रहा हूँ भाई 4.5 घंटे ना, तो अपन मोटा मोटा बोल सकते हैं भाई स्कूल की क्लासेस और कोचिंग की क्लासेस भाई 10 hours की हो जाती है तुम्हारी, जो कि कम टाइम नहीं है ना, जो अपने आप में एक थोड़ा मतलब डिसएडवांटेज तो हो ही गया ना यार, क्योंकि जो बच्चे स्कूल नहीं जा रहा उसको वो पूरा का पूरा टाइम बस वो इतने टाइम क्लासेस करता है, बाकी टाइम अपना सेल्फ स्टडी में दे पाता है ना। पर ठीक है, फिर भी अपन देखेंगे अपन उसको कैसे सही कर सकते हैं, कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं उस टाइम को भी, उसके बारे में भी अपन बात करेंगे ना, क्योंकि अब जाना तो है ही, डिसीजन तो नहीं है ना, अब तो अपन स्कूल में एडमिशन ले चुके हैं, अब तो अब अपन को 1 साल या 2 साल वहीं पढ़ना है ना, तो कैसे उसके साथ साथ हम अपनी प्रिपरेशन करें ना। अब उसके बाद मान के चलते भी देखो 6 से 7 घंटे तो हर इंसान सो गई होगा, 6 घंटे तो भाई हर इंसान सो गई होगा, तो 10 और 6 16 घंटे हो गए, बाकी खाना वगैरह खाना और भी बहुत सारी चीज़ें 2 घंटा मान लेते मोटा मोटा, है ना, तो 10 + 6 + 2 तुम्हारे लगभग 18 hours तो चले गए, अब तुम्हारे पास 6 घंटे बच रहे हैं, ठीक है। अब पहले तो भाई इतना डिसिप्लिन हमको होना पड़ेगा कि उस 6 घंटे तो हम पढ़ाई करें, उसमें से भी कोशिश करना है कि यार 6 से 8 घंटे हम पढ़ाई के लिए निकाल पाए। अब तुम कहोगे सर 6 घंटे तो बचे, 8 घंटे कैसे पढ़ाई के लिए निकालेंगे, पर निकालते बच्चे 6, 8, 9 घंटे भी पढ़ाई के लिए निकालते हैं, हाँ वो बच्चे कैसे निकालते हैं मैं बता रहा हूँ, ऑफकोर्स हमारे पास 24 घंटे ये दिन में, तो कैसे करना है देखो वो देखो, और ये कुछ स्किल्स हैं जो तुमको सीखनी पड़ेगी ना, कुछ चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना पड़ेगा, मैं लगभग हर पॉइंट को कवर करने वाला हूँ जो तुम गलतियाँ करते हो, जो तुम्हें नहीं करनी चाहिए और तुम्हें क्या क्या करना है, क्या क्या स्टेप्स लेनी है ना। सबसे पहले तो देखो यार तुम्हारे आने जाने का समय, मतलब हो सकता है तुम्हारे स्कूल बाजू में हो, तुम 5 मिनट में पहुंच जाते हो, 5 मिनट में वापस आ जाते हो, कुछ बच्चे हो सकता है बस वगैरह से जाते हो, आधा एक घंटा उनका जाने में लगता हो, आधा एक घंटा आने में लगता हो, तो वो समय बर्बाद नहीं जाने देना। देखो मैं बता रहा हूँ, जब मैं 11th 12th में था तो मैं भी स्कूल जाता था, मेरे स्कूल बहुत दूर था, मेरा 1 घंटे बस से जाने में लगता था, 1 घंटा आने में लगता था, पर वो समय कभी बर्बाद नहीं करा यार, ये तो मतलब तुम्हारा खुद नेचुरल है ना यार कि उस टाइम को भी तुम्हें यूटिलाइज करना है, अगर तुम्हारा 2 घंटे आने जाने का लग रहा है उसको भी तुम्हें यूटिलाइज करना है, उस टाइम पर बेस्ट चीज़ होती है नोट्स रिवाइज करना, केमिस्ट्री के नोट्स उठा के रिवाइज कर लो, फिजिक्स के कर लो, किसी भी नोट्स रिवाइज करो, क्योंकि न्यूमेरिकल वगैरह सॉल्व नहीं कर पाओगे, तो वो टाइम है तुम्हारे नोट्स के रिवीजन का। मान लो तुम सुबह स्कूल जा रहे हो, तुम्हारे लास्ट डे की क्लासेस के नोट्स रिवाइज कर लो ना। अच्छा, और ये ध्यान रखना ये टाइम अब तुम्हें पूरा का पूरा अपनी, है ना, जो भी तुम जो नीट और JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो उसमें देना है ना, कंप्लीट टाइम, ये तो आई थिंक ये ऑब्वियस होगा, है ना। देखो एक चीज़ ध्यान रखना, जब तुम लेट्स से नीट या JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो ना, JEE की प्रिपरेशन कर रहे हो लेट्स से, तो फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स ये 3 सब्जेक्ट तुम्हारे मतलब ऑलमोस्ट 100% तैयार हो जाते हैं, 99% तुम्हारे प्रिपेयर हो जाते हैं बोर्ड के लिए भी, है ना। जब तुम नीट की प्रिपरेशन कर रहे हो तो तुम्हारे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो 99% तैयार हो जाता है बोर्ड के लिए। मैं 99 क्यों बोल रहा हूँ, देखो पढ़ने वाला टॉपिक तो 100% तैयार हो जाता है, जो 1% है जो तुम्हें बस एक्स्ट्रा करना होता है वो रिटर्न टेस्ट है, वो स्कूल वाले जो रिटर्न टेस्ट तुम्हारे जो प्री बोर्ड वगैरह होते हैं बस वो तुम्हें स्कूल में जाके देना होता है, बाकी अगर तुम एक अच्छी कोचिंग में पढ़ रहे हो तो तुम्हारी बोर्ड की पूरी प्रिपरेशन वहीं के वहीं हो जाती है ना। तो तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें अपना मैक्सिमम फोकस इन्हीं पे रखना है, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स और फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे, जो भी सब्जेक्ट तुमने ले रखे हैं ना, ठीक है। अब उसके बाद देखो, तो तुम जो ट्रैवल टाइम है उसको भी यूटिलाइज करोगे, साथ में स्कूल के टाइम को भी यूटिलाइज करो। स्कूल के टाइम को कैसे यूटिलाइज कर सकते हो, देखो तो देखो उसके लिए मैं तरीका बताता हूँ ना।
पहले तो ये ध्यान रखो कि जब भी तुम स्कूल में हो, जो तुम्हारे पहले फ्यू टेस्ट होते हैं स्कूल में, जो टेस्ट होते हैं एग्जाम होते हैं, उनमें अच्छा परफॉर्म करो ना। जैसे जब बच्चा इलेवंथ में नया नया स्कूल में जाता है ना, उस समय उससे क्या होता है, देखो फायदा ये होता है कि तुम टीचर्स और पेरेंट्स दोनों का ट्रस्ट जीत ले, तो वो बहुत जरूरी है। स्पेशली पेरेंट्स का ट्रस्ट तुम पे होना बहुत जरूरी है, क्योंकि अगर कई बार क्या होता है ना कि पेरेंट्स को भरोसा नहीं होता, पेरेंट्स को लगता है कि भाई ये कोचिंग कर रहा है, कोचिंग के साथ इससे कोचिंग में तो नंबर आ नहीं रहे, इसके स्कूल के टेस्ट में भी कम नंबर आ रहे हैं। फिर दो तीन रिलेटिव होते हैं, वो सजेशन देते हैं कि कोचिंग छोड़वा दो, वरना ये बोर्ड में फेल हो जाएगा, इसके नंबर खराब हो जाएंगे, बोर्ड खराब हो जाएगा, फिर वो कोचिंग भी छोड़वा देते, पढ़ाई करने नहीं देते। जबकि कई बार क्या होता है कि बच्चा कोचिंग में अच्छा कर रहा होता है, उसके स्कूल में इसलिए कम नंबर आ रहे हैं क्योंकि वो उस पर उतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पा रहा, जबकि फाइनल बोर्ड एग्जाम में वो नंबर ले आएगा, क्योंकि तब तक तो पूरा सिलेबस हो जाएगा। क्या होता है, स्कूल के टीचर तो भाई दो दो तीन तीन दिन में चैप्टर खत्म करा देते हैं, रोटेशन उनका तीन क्लास में हो जाएगा, इधर कोचिंग में तो 12-15 क्लास में चलेगा ना, प्रॉपर पढ़ना है, समझना है, क्वेश्चन करने हैं, बहुत कुछ करना है, तो उस कारण स्कूल के टेस्ट में नंबर नहीं आ पाते। पर पेरेंट्स तो उस समय तुम्हारा पेरेंट्स का भरोसा बहुत मैटर करता है। अगर पेरेंट्स को तुम पे भरोसा है तो फिर वो घबराएंगे नहीं, वो कहेंगे बेटा तू पूरा कोई नहीं, मन लगा के अपनी पढ़ाई कर, कंपटीशन की पूरी तैयारी कर, हम संभाल लेंगे बाकी सारी चीज़ें। तो स्टार्टिंग के कुछ टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करो, ध्यान रखो चाहे कुछ भी हो जाए, है ना। तो ये चीज़ तुम्हें ध्यान रखनी, ये रखोगे तो तुम्हारी प्रिपरेशन बिल्कुल स्मूथ चलेगी। यहाँ पे तुमने स्टार्टिंग में गड़बड़ कर दी तो फिर वो हटाई देंगे, वो कोचिंग भी छुड़वा देंगे, तो इस बात का ध्यान रखना, है ना। ठीक है, अब अगली चीज़ क्या होती है यार, है ना, एक चीज़ और गलती करते हैं बच्चे, मैं बता देता हूँ ना, स्कूल के जो टीचर्स हैं उनसे अपने भाई रिलेशन अच्छे रखो, है ना, है ना, उनको दोस्त बना के रखो, उनको दुश्मन बनाओ। कई बच्चे क्या करते हैं, है ना, होते हैं उपद्री टाइप होते हैं, वो कोचिंग में जाते हैं, कुछ अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट सीखते हैं ना, तगड़ी तगड़ी बातें सीखते हैं, है ना, उनको वो चीज़ समझ में भी आ जाती है, सब आ जाती है, फिर वो जानबूझ के स्कूल में जाके अपने टीचर से वो बातें पूछते हैं, उनको पता है कि उनको ये बात नहीं पता जानबूझ के। तो ऐसे में क्या कर रहे हो, तुम उनको अपना दुश्मन बना ले रहे हो यार, फिर वो तुम्हारे 2 साल 1 साल हेल्प बना देंगे, ध्यान रखना, वो बाद बाद में तुम्हारी कमी निकालेंगे, है ना। तो यार ये हरकतें देना बंद करो यार, है ना, ये फालतू की बच्चों वाली हरकतें, ऐसी चीज़ें क्यों करनी, है ना, तुम्हारी पढ़ाई अपनी पूरी यहाँ पे हो रही है कोचिंग में ना, वहाँ पे जाकर अपना करो। तो उसके बाद क्या करना है, टीचर से पहले तो अच्छे बनाओ, स्कूल के जो टीचर उनसे अच्छे रिलेशन बना के रखो, है ना, फ्रेंडली रिलेशन बना के रखो, है ना। तो उसमें तुम क्या कर सकते हो, कई बार कई स्कूल में वो अलाउ भी कर देते हैं कि भाई उनको देखता है कि बच्चा भाई जेई वगैरह की तैयारी कर रहा है, तो उसको भाई वो पीरियड में पढ़ने देते हैं, तो अपनी पढ़ाई कर ले या फिर साइड में जाकर बैठ के पढ़ लेना, कई जगह अलाउ नहीं करते। पर तुम क्या कर सकते हो, पीछे की जो मैंने भी करा है और लगभग सारे बच्चे करते हैं, तुम्हें भी करना है, ध्यान रखना, चुपचाप पीछे वाली बेंच पे जाके बैठो, फिजिक्स चल रहा है स्कूल में, जाके अपने फिजिक्स से नोट्स रिवाइज कर लो, एससी वर्मा सॉल्व कर लो, कर लो, है ना। कभी कभी पकड़ा जाता है, थोड़ी बहुत डांट पड़ जाती है, ठीक है यार खा लो यार, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, तुम्हें टाइम यूटिलाइज करना है, ये ध्यान रखो अपना। केमिस्ट्री क्लास चली उस समय केमिस्ट्री पढ़ लो, अरे केमिस्ट्री क्लास में केमिस्ट्री तो पढ़ रहे हो यार, क्या दिक्कत है। तो ये वाला टाइम भी तुम्हें यूटिलाइज तो करना पड़ेगा, ये ध्यान रखना। देखो 6 घंटे भी ठीक है, पर तुम्हें 6 से 8 जितना तुम ज़्यादा निकाल सकते हो अपनी पढ़ाई के लिए तुम्हें समय निकालना पड़ेगा, ठीक है, ये ध्यान रखना ना, ये करना पड़ेगा। देखो कुछ बच्चे बहुत आराम से कर लेते हैं, उनको दिक्कत नहीं है, कुछ बच्चे थोड़े डरते हैं और नहीं कर पाते, तो यार ये तो ये भी स्किल्स हैं लाइफ की, ये तुम्हें धीरे धीरे डेवलप करनी पड़ेंगी। देखो है ना, देखो सिस्टम अब जैसा है ऐसा है, उसमें तुम कुछ नहीं कर सकते, जो हो गया वो हो गया। अब उस सिस्टम में से जो करंट सिचुएशन है उसमें तुम्हें अपने लिए बेस्ट पॉसिबल सिनेरियो निकालना है ना, क्योंकि तुम्हारे पास अभी लिमिटेड टाइम है और उतने में तुम्हें रैंक प्रोड्यूस करनी है, ठीक है। तुम नहीं करोगे बाकी लोग तो कर रहे हैं, और टाइम ही सबसे बड़ा फैक्टर प्ले करता है यार, सबसे बड़ा रोल तो टाइम प्ले करता है। अगर तुम देखो तुम्हारी प्रिपरेशन में जो मैक्सिमम दिक्कत है वो टाइम के कारण है, क्योंकि टाइम सफिशिएंट नहीं है। अगर टाइम इन्फिनिट हो जाए तो तुम भी कुछ भी कर लोगे ना, तो यार टाइम तो नहीं है, टाइम लिमिटेड है, तो उसी टाइम में से तुम्हें निकालना सीखना पड़ेगा, है ना। देखो टाइम 24 घंटे सबके पास है, तुम वो 24 घंटे कहां दे रहे हो वो तुम्हारा डिसीजन है, तो वो सही जगह तुम्हें स्पेंड करना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना भी है ना कि पहले तो स्कूल के टेस्ट में अपना परफॉर्मेंस सही रखो, स्कूल के टीचर को भाई अच्छे दोस्त वगैरह बना के रखो, मतलब सही रहने चाहिए, है ना, वो गलत वाले टर्म्स में मत रखो कि वो जानबूझ के ध्यान रखें कि तुम्हें पकड़े हर 2 चीज़ में, कि तुम्हारे नंबर कम आए, तुम्हारे पेरेंट्स से कंप्लेन कर रहे हैं, तो ये चीज़ें नहीं करनी है ना, ठीक है। अगली चीज़ अपना पूरा का पूरा फोकस फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स या फिजिक्स केमिस्ट्री बायो पे रखना, ये तो ऑब्वियस बात है। बाकी के जो सब्जेक्ट है उसमें अभी ज़्यादा डिटेल में घुसने की जरूरत नहीं है ना, जैसे जो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट्स हैं तुम्हारे, संस्कृत ले लिया तुमने, फ्रेंच ले लिया, कोडिंग वोडिंग कर रहे हो, या फिर फिजिकल एजुकेशन वगैरह ना, तो उसमें अभी बहुत ज़्यादा मास्टरी करने की जरूरत नहीं, ये सब तुम बताए अपने कॉलेज वगैरह अच्छे कॉलेज वगैरह में घुसने के बाद कर सकते हो, अगर तुम्हें सीखना भी है ना। तो अपनी प्रायोरिटीज़ क्लियर रखो, अगर तुम्हारा टारगेट एक अच्छे IIT में, एक अच्छे मेडिकल कॉलेज में जाना है, तो अपनी प्रायोरिटी रखो, क्योंकि तुम्हें अपनी 100% एनर्जी उस डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी ना। बहुत ज़्यादा कॉम्पिटेटिव एग्जाम से बहुत लिमिटेड सीट्स हैं यहाँ पे, तो तुम ये नहीं कर सकते कि नहीं यार मैं 2 साल सब कुछ करूंगा, मैं कल्चर एक्टिविटीज़ भी करूंगा, स्पोर्ट्स भी करूंगा, मैं फ्रेंच भी अभी सीखूंगा, कोडिंग भी अभी सीख लूंगा, मैं सब कुछ करूंगा और वो भी कर लूंगा, नहीं इतना नहीं हो पाएगा, क्योंकि टाइम लिमिटेड है ना। तो तुम्हारे पास जो समय है वो तुम्हें 100% एक डायरेक्शन में लगा देना है, अपना गोल अचीव कर लो, उसके बाद तुम फ्री हो, तुम जो करना चाहो वो कर सकते हो ना। कॉलेज में जाके बहुत सारे फेस्ट वगैरह होते हैं, स्पोर्ट्स खेल सकते हो, कल्चरल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, बट अभी अपना पूरा ध्यान इन 3 सब्जेक्ट पर रखना है ना, बाकी सब्जेक्ट में बस तुम्हें पास होना, ये ध्यान रखो। तुम्हारा अल्टीमेट कॉलेज में जो एडमिशन होने वाला है वो तुम्हारे एग्जाम में ना, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में तुम्हारी क्या रैंक आएगी उस पर होने वाला है ना। 12th में चाहे तुम्हारे 95% बन जाए, चाहे 90% बन जाए, भाई सब बराबर है,
85% बन जाए वो भी बराबर है। मेन तुम्हारी जेई या नीट में कितनी अच्छी रैंक आती है वो डिपेंड, उस पर सब कुछ डिपेंड करने वाला है। तो अपना पूरा ध्यान उधर लगाना है, लॉजिकल होना, लॉजिकल बी लॉजिकल, ठीक है। अगली चीज में ध्यान रखनी है भाई, डोंट मिस योर कोचिंग क्लासेस फॉर स्कूल एग्जाम। बहुत से बच्चे ये छोटी छोटी गलती करते ना, ये बहुत स्टूपिड सी चीज है कि सर स्कूल में टेस्ट होने वाला है, 3 दिन चल रहे हैं क्वार्टरली वगैरह, पता नहीं टर्म 1 टर्म 2 तुम क्या क्या बोलते हो आजकल, जो भी तुम्हारा एग्जाम है उसके चक्कर में कोचिंग क्लासेस मिस कर दी बैठ के। ये होता है यार, ये हरकत है ना, 10th क्लास तक ठीक रहती है कि एग्जाम आ रहे हैं तो हम 3-3, 4-4 दिन पहले से पढ़ाई कर रहे हैं यार। यहाँ पे तुम्हारी सारी की सारी पढ़ाई कोचिंग में हो जाती है, तुम सबसे पहले समझो। कोचिंग में जब तुम आईटीआई नीट के लिए पढ़ रहे हो, तुम्हारी बोर्ड के लिए स्कूल वाली 100% उन 3 सब्जेक्ट की पढ़ाई 100% हो जाती है। तुम्हें अलग से ये नहीं करना कि तुमने कोचिंग की क्लासेस मिस कर दिया। अब तुम समझो टेस्ट कोई बहुत स्पेशल डे नहीं है जिसके लिए तुम बहुत पहले से तैयारी करो। तुम्हें हर रोज अपनी पढ़ाई करनी है, हर रोज अपना होमवर्क खत्म करना है, तुम टेस्ट के लिए ऑलरेडी रेडी हो। उसके लिए तुम अपनी जो क्लासेस हैं कोचिंग की क्लासेस, होमवर्क वगैरह वो मिस नहीं करोगे कभी, मत करना। देखो अगर कर रहे हो तो याद रखना तुम कर रहे हो, बाकी लोग नहीं कर रहे हैं। तुम एग्जाम में कॉम्पिटेटिव एग्जाम में नीचे जा रहे हो, बाकी लोग ऊपर उठ रहे हैं, ये ध्यान रखना। क्योंकि तुम कर रहे हो बाकी लोग तो नहीं कर रहे, और चाहो तो जो टॉपर्स हैं उनके जो भी इंटरव्यू वगैरह मैंने ले रखे हैं और बाकी भी बहुत सारे पढ़े होंगे उनके जाके देख लो वो लोग कैसे मैनेज करते थे। कोई नहीं करता, नेवर डू दैट, है ना, ठीक है। और जब तुम्हारा देखो जब फाइनली अल्टीमेटली हर जगह सेप्टेम्बर अक्टूबर तक अच्छी कोचिंग में तुम्हारा पूरा सिलेबस कर देते हैं 12th तक का, उसका तुम्हारा रिवीजन हो जाता है, तो तुम बोर्ड एग्जाम में जाने से पहले तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म होता है 11th 12th का, तुम्हारा पूरा रिवीजन हो चुका होता है, तुम ऑलरेडी तैयार होते हो उसके लिए यार, है ना। तो वो फाइनल एग्जाम के लिए तुम रेडी हो जाओगे ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना, आई होप इससे तुम्हें हेल्प मिलेगी। इसके अलावा कोई क्वेरी हो तो भाई, अगर कोई पॉइंट मैंने मिस कर दिया तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं उसको आंसर कर दूंगा। बाकी आई थिंक मैंने सब कुछ कवर कर दिया है ना। तो भाई अगर तुमने सब्सक्राइब नहीं करा अभी तक तो सब्सक्राइब कर देना YouTube को, और वीडियो को लाइक कर देना। इसके अलावा देखो जो बच्चे मुझसे प्रॉपरली आके अनअकैडमी पढ़ना चाहते हो मेरे साथ, जो कोटा के बेस्ट टीचर्स हैं, है ना, उसके उनके साथ उनके गाइडेंस में प्रॉपर पढ़ना चाहते हैं, नीट या जेई की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो मैं बता देता हूँ ये परफेक्ट टाइम है इस वक्त, है ना। क्योंकि इस वक्त अभी तक की अनअकैडमी के जो प्राइसेस है वो सबसे लोएस्ट चल रहे हैं। नीट और जेई दोनों के सब्सक्रिप्शन पे 50% से ज़्यादा ऑफ चल रहा है ना। IIT जेई में अप टू 64% चल रहा है, नीट में आ रहा हूँ 52% कराऊँ, है ना। तुम सारे तुम कोई भी सब्सक्रिप्शन लो फर्क नहीं पड़ता, 3 मंथ का ले रहे हो, 9 महीने 6 महीने 18 महीने 1 साल 2 साल, सब पे तुम्हारा 50% से ज़्यादा ऑफ चल रहा है ना। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम राइट नाउ। आज अभी 30 नवंबर है जब मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये ऑफर 2-3 दिन और रहेगा ना, ठीक है। तो कोई बच्चा अगर फ्यूचर में वीडियो देख रहा है तो भाई पहले मुझे मैसेज कर देना, क्योंकि अलग अलग ऑफर आते रहते, पर इतना अच्छा ऑफर बाद में आना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है ना, इतना क्योंकि इससे पहले भी इतना अच्छा ऑफर कभी नहीं है, 50% ऑफ सारे प्राइसेस पे। सो दिस इज द परफेक्ट टाइम, अगर तुम अनअकैडमी पे आगे इंडिया के बेस्ट टीचर से पढ़ना चाहते हो, दिस इज द परफेक्ट टाइम टू टेक द सब्सक्रिप्शन। अगर तुम्हारा तुम्हें मेरे गाइडेंस में प्रिपरेशन करना चाहते हो तो फिजिक्स लाइव कोड यूज करके सब्सक्रिप्शन ले सकते हो, इससे तुम्हें प्रायोरिटी ग्रुप में एंट्री मिल जाएगी, तो तुम्हारी पूरी प्रिपरेशन मेरे पर्सनल गाइडेंस में होगी ना, ठीक है। उसके अलावा मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर सकते हो, कोई क्वेरी है ना, तो वो तुम्हें वो सारी लिंक्स वगैरह डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी वीडियो के, और टेलीग्राम पे फॉलो कर लेना, है ना, इसकी लिंक भी डिस्क्रिप्शन में। इसके अलावा अनअकैडमी पे मैं बहुत सारी मेरी फ्री लाइव क्लासेस होती है, वो सेशन आस्क मी एनीथिंग सेशन होते हैं जहाँ पे तुम आकर मुझसे ऑडियो कॉल पे बात कर सकते हो ना, एंड दीज सेशंस आर कंप्लीटली फ्री फॉर एवरीवन, ठीक है। इनकी लिंक्स भी जब वो सेशन होते हैं तो टेलीग्राम पे मिल जाती है, इसलिए टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना तो तुम कनेक्टेड रहोगे, जो भी चीज़ें चल रही होंगी तुम्हें पता रहेंगी, है ना, ठीक है। बाय बाय, और शेयर वगैरह कर देना वीडियो, है ना। बाय बाय।